तो फ्रेंड्स जो माने फॉरेस्ट गार्ड किंबा एक्साइज कांस्टेबल आवेदन करिया पय चाहौचंती आवेदन करिया पूर्व किछि जिनसडा आपन माने जानि रखंतु बहुत सारा पिला मानकर डाउट अछि म सेटा क्लियर करिया पय चाहौची। देखंतु प्रथम कथा होची जो 2881 गोटी पदवी आसीछि एथिरे पांच प्रकार पदवी आसीछि आपन समस्त जानिथिबे स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर अमीन फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल जणे जदि चाहिबो से पांचटी पदवी रे से आवेदन करि पारिबो। हाँ आज्ञा जदि आपने चाहिए पांचटी प्रकार पदवी आसी आवेदन करेंगे किंतु आपंकर योग्यता रही है आवश्यक किंबापरेंगे से किसी असुविधा नहींपर आउ गोटे कथा देख ये देखो आपने महिला और पुरुष मैंने आवेदन करेंगे झील पिला पुह पा समस्ते आवेदन करेंगे यहाँ आपंकर अनलाइन जरिए आपको आवेदन ही हम आपलाइन जरिए किपर आवेदन करेंगे तार भिडियो अलरेडी आम गोटे करदेचु आम आपको समस्त को यहाँ सेयार करदेव समस्ते से देखिकी घर बस आवेदन करेंगे। तो स्टार्टिंग डेट देखो अप्लाई स्टार्टिंग डेट 1/10/2021 स्टार्ट हो सारी मैंने 1 तारीख स्टार्ट हो सारी 1/10/2021 मैंने समय ना बहुत कम समय भितर आपर अच्छी आपठ आवेदन कर दिंतु। तापर सब बड़ कथ हूँ रिटर्न एग्जाम जो रिटर्न एग्जाम के रिटर्न एग्जाम के जो चिंतार थी तो सीटा सी अलरेडी लिखी नवेम्बर मस भर आपर रिटर्न एग्जाम हो ठीक अच्छे समय आउ बेस दिन ना नवेम्बर मस भर एग्जाम समस्त को एवं आवेदन करके पढ़ापढ़ी कर। तापर आप्लिकेन्स फीस देखो आप्लिकेन्स फीस देखो आप्लिकेन्स फीस टी जो आपन जानते हैं कौन प्रकार चार्जेस नहीं समस्त मागणार आवेदन करेंगे। आप किसी बंधु मान प्रश्न उठु कि सर आम जो 100 टाटा कौन है कि आपर 100 टाँगा पानी से चली जाइए आपने से 100 टाँगा को आशा रख ना से 100 टाँगा चलीगला आप दान दे गवर्नमेंट को तेणुक से पैसाटा चलीगला। तापर क्वालिफिकेशन देखो क्वालिफिकेशन टी देखो ये कहली जमी आपर जो पदवी आसी पदवी अनुजाई आप क्वालिफिकेशन मागिच आपर जब केवल 10th पास अच्छी मानते 10th श्रेणी अच्छी आपने फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल दुईटार आवेदन कर। ये प्रश्न उठु कि सर जड़े चाहिए कौन से 2 पदवी आवेदन करेंगे कि हाँ 2 पदवी से आवेदन करेंगे किसी असुविधा ना आप 2 पदवी से चाहिए आवेदन करेंगे। प्रथम प्रिफरेन्स कौन देते सेकेंड प्रिफरेन्स कौन देते सेटा आप डिपेंड करते सपोज मोर जब चाहिए प्रथम प्रिफरेन्स मुझ फॉरेस्ट एक्साइज कांस्टेबल देवी कि सेकेंड प्रिफरेन्स मुझ फॉरेस्ट गार्ड देवी तो करेंगे जब आप डिपेंड करते जोटा प्रथम प्रिफरेन्स देते आपंक एग्जाम रिटर्न एग्जाम आपने क्वालिफाई कर सारा जी कट अफ जीव जो पदवी आवेदन करते प्रथम प्रिफरेन्स से ही पदवी में आप प्रथम पाए बुझे जदि फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल दुईटा आपने आवेदन करुँचर प्रथम प्रिफरेन्स आपर एक्साइज कांस्टेबल दे सेकेंड प्रिफरेन्स मुझे दे फॉरेस्ट गार्ड रे आ मु एग्जाम दे सारापर जो कटअप जी आस मैंने पिला पकईथे तो सही हिसाब जो कटअप आसो तो से ही अनुजाई जब मोर मार्क थी मुझ जो प्रिफरेन्स देती जो थे तो से कटअप जाऊ तो मुझ प्रथम प्रिफरेन्स जहाँ देखा पड़ो जब से ना तो सेकेंड प्रिफरेन्स फॉरेस्ट गार्ड ही हम तो मो कह कथा आपंक प्रिफरेन्सटा ही डिपेंड करोटा आप चूज कर। तापर बयस सीमा देख ये भेरी इंपोर्टेंट 1/1/2021 मैंने 1 जनवरी 2021 टू बयस आपंकर चार प्रकार जोटा कि स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर आरआई अमीन एक्साइज कांस्टेबल जितकी रहा है 21-32 वर्ष मागुच बयस जोटा कि जेनेल पाई। तापर फॉरेस्ट गार्ड पर मागुच 18-32 वर्ष मागुच से 1/1/2021 मसीह आपने काउंटिंग करेंगे ठीक अच्छे यहाँ सब मन इच्छा सब आसूसी गवर्नमेंट निजुक्ति सब मन इच्छा सब कहानी चलते तो जहाँ भी हो तो यहाँ जनरल पाई अपरेज रिलेक्शन रोचे आपको 5 वर्ष एज रिलेक्शन रोचे 5 वर्ष एज रिलेक्शन कौन मानक ना SC ST SC BC पाला रोचे 5 वर्ष एज रिलेक्शन। तापर सैलरी कथा छाड़ ये सैलरी कथ बुझे आवश्यक नहीं आम जब आवश्यक तेणुक सैलरी तो पर कथा आम सैलरी को लेकिन अलरेडी भिडियो कराई केवल आप इंपोर्टेंट कथ कह शुण। तापर रिटर्न एग्जाम देखनी रिटर्न एग्जाम 180 मार्क रिटर्न एग्जाम हम 180 मार्क रिटर्न एग्जाम हम जोटा कि 100 क्वेश्चन 180 मार्क जोटा कि क्वेश्चन टाइप टी आसो MCB क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे समय अच्छे 3 घंटा तो आपने गोटे बड़ खाता नहीं तो बही भाया गोटे आसो क्वेश्चन तो बही भाया पूरा 3 घंटा बस ये परीक्षा देवे ठीक अच्छे। तापर सब्जेक्ट देखो ये आपर आर्थमेटिक क्वेश्चन आसो 40 मार्क जेनेल लांगुएज 40 क्वेश्चन 40 मार्क इंग्लीश देखो 40 क्वेश्चन 40 मार्क ओडिया 20 क्वेश्चन 20 मार्क। देख बंधु ये जो जेनेल लांगुएज हो कि आर्थमेटिक जो हो तो आपको ये जो सिलेबस अनुजाई जो इंग्लीश कौन कौन आसो ओडिया कौन कौन आसो कंप्यूटर कौन सब्जेक्ट आसो तो यही जो आम सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबसटा मुझे गोटे नेक्स्ट भिडियो नहीं आसवि कहीं ना से कही 10th स्टैंडर्ड ही आपर एग्जाम हम ठीक अच्छे 10th श्रेणी स्टैंडर्ड ही एग्जाम करा तो 180 मार्क जोटा हम सीटा 10th श्रेणी स्टैंडर्ड ही हम बुझे ए सिलेबस पूरा लेखिकी देनी केवल जस्ट सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट आसो सी कहीदेगी से बुझे तो मुझे नेक्स्ट समय में आपको गोटे गोटे सेपरेट भिडियो नहीं आसवि। आउ गोटे सब बड़ चिंतार कारण जेकि आपको नेगेटिव मार्क अच्छे आप अंधार बाड़ी बुलेबेन जब अंधार बाड़ी बुलेबे तो सब ही आपर 0.5 रोज मैंने कौन 2 रंग एनसर करवा तो गोटे कटो तेणुक से हिसाब से आप एग्जाम ही देबे रिटर्न एग्जाम देबे।
ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖ ଏଠି ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ ଆସିଛି ଫଟୋ 20 ରୁ 100 ମାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖ ଫଟୋ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ମାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ୱାଟର ପଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଥିବ ଖାଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିବେ ତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସେଇ 20 ରୁ 50 ଭିତରେ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ମାଗୁଛି ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ନିଜ ନାମରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଇଥିବ ତାପରେ ମାଗୁଛୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିଁ ମାଗିବ ତାପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପେ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଥିଲେ କି ତା'ର ଡେଟ୍ ଚାଲିଛି ରିନ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ରିନ୍ୟୁ ହେଇନି ତ ଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି ସେଟା ଭୁଲ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଦେଖ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ଯଦି ରିନ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ଆବେଦନ କର ମୋ କଥା ମାନିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତାପରେ ଆବେଦନ କରିକି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ରିନ୍ୟୁ ହି କରିନ ଡେଟ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ହେଇପାରିବନି ତ ଜମାରୁ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସମୟ ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି ନା ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ତ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାତି ସମୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ତା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା ସମସ୍ତ